है गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारचा। एंड अभी जस्ट मैं उठा हूँ, ऑलमोस्ट 10:30 होने को आ गए हैं। एंड यहाँ किसी ने कैंप कर रखा है और ये कल वाले भाई लोग हैं, इनकी बैटरी डेड होगी जस्ट बिकॉज इन्होंने फॉग लैम्प्स ऑन कर लिया था। तो इनके जंपर केबल से एक बार स्टार्ट करते हैं। ले रही है। एंड लुक एट दिस ब्रिज का बहुत शानदार नज़ारा। और अभी काफ़ी लोग जा रहे हैं लद्दाख की साइड। दारचा से आज मेरा प्लान है गोम्बोक रंजन तक जाने के लिए। इस रिवर के किनारे हमारा स्टे था। आजकल क्या है कि यार कैंपिंग का बहुत सही चल रहा है और ये देखो हर कोई गाड़ी वाला कैंपिंग कर रहा है। कल हमारा स्टे नीचे था और ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये है चेक पोस्ट जो दारचा के आता है। सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है शिंकुला की तरफ, और जो ये रास्ता जा रहा है ये बारालाचा पास होते हुए लद्दाख को जा रहा है। तो जी यहाँ से हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप सामने के साइड में सीधी रोड जा रही है शिंकुला की तरफ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। और ये आज की अपनी लुक, ये रारिक नाम की जगह है, एक छोटा सा विलेज जो शिंकुला से पहले आता है, आपको दारचा क्रॉस करने के बाद में देखने को मिलता है। और इधर ऊपर रोड का काम चल रहा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। और ये अपना मॉन्स्टर, यहाँ से हमने मैगी ऑर्डर दी है, मैगी खाते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। आपका ये विलेज का क्या नाम है? रारिक। अच्छा, और क्या आप स्पेशल बनाते हो मैगी के अलावा? कुछ भी नहीं, बढ़िया सी मैगी बना के खिलाने वाले आज अपने को। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे खेती किस चीज की करते हो आप लोग? अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लो यहाँ का क्लाइमेट विंटर टाइम में कैसा रहता है, सर्दियों में? हाँ। अच्छा पड़ता था, अब कम पड़ता है। अपना जन्मभूमि तो अच्छा ही होता है। पहले क्या है, यहाँ कट लगा हुआ था रोड पे, बहुत ही छोटी सी रोड हो रखी थी। और इस एरिया में वैसे स्लाइड भी बहुत ज्यादा आते हैं, अभी शायद रोड को थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग आ गई है, वो देखिए ऊपर से पानी आ रहा है। अभी तो जब हम सिंकुला पहुंच जाएंगे उसके बाद की क्रॉसिंग्स का तो भाई कहना ही क्या। ये चीजें ना आपको बारालाचा में इतने एडवेंचर नहीं मिलेंगे जितने शिंकुला में मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी थार रोक दी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा वो सामने की साइड में वाटरफॉल देखने को मिल रहा है और वहां से आ रहा पानी। यहाँ एक आध रील शूट करने का मन कर गया है। क्या जगह है यार, बहुत ही अमेजिंग। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब सब कुछ फ्रोजन था, सब जगह बर्फ थी, लेकिन अभी सब जगह पानी चल रहा है। वैसे इस रूट में ना ऐसी ऐसी जगह आएगी आपका मन करेगा नहीं कि मैं यहाँ कैमरा बंद करूँ, और आपकी मेमोरी कब फुल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है और ये प्यारे से बच्चे मिले हैं, इनको मैंने टॉफियां खिलाई। बच्चों कर दो हेलो, मां कर दो। आहा क्या बात है, ठंडी नहीं लगती? बाय। चलो जी ये छोटा सा ऑफ रोड हम क्रॉस करते हैं, अभी वाटर क्रॉसिंग है। यार वाटर क्रॉसिंग का मजा अलग है यार, कुछ भी कह लो। ये देखो सामने के लैंडस्केप अमेजिंग। तो ये देखिए वाटर क्रॉसिंग आ गई है और भैया के जूतों में पानी चला गया। और ऐसे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग हम अभी क्रॉस कर गए हैं। शिंकुला पास से पहले का व्यू है ये, हर पीक पे स्नो स्नो देखने को मिलेगी। इस ब्यूटीफुल से नजारे के लिए स्नो देखिए। मैं हूँ अभी शिंकुला पास के बिल्कुल पास में, ज़्यादा दूर नहीं बचा शिंकुला यहाँ से। एंड देखो यार कितनी स्नो है और सनलाइट के साथ में क्या सही व्यू आ रहा है, क्या सही व्यू आ रहा है। टूरिस्ट तो अच्छे से एंजॉय करेंगे यार, क्योंकि जगह है ही एंजॉय करने लायक। ओ भाई खतरनाक क्रॉसिंग है, जैसे पता नहीं चलता ऐसी क्रॉसिंग में कि कितना गहरा है, गाड़ी नीचे से टच हो रही है कि नहीं, बहुत रिस्की हो जाता है। वो देखिए लोग कहाँ कहाँ चढ़े पड़े हैं। और यार ये दूर से देखो कितना सही लग रहा है ये नज़ारा। अभी तक हम शिंकुला पहुंचे नहीं है, उससे पहले भी हमें इतना अच्छा व्यू मिल रहा है देखने को। नीचे पानी देखो, पूरी रोड पे पानी चल रहा है, ऐसा हमें लद्दाख वाले जो दूसरा रूट है उस पर नहीं देखने को मिलता। क्या सही व्यू है, दोनों तरफ बर्फ। और अभी ये क्या धीरे धीरे सन के साथ में पिघलते हैं, क्या सनलाइट बहुत तेज पड़ती है, हार्श पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे जो नीचे से जो पानी जा रहा है ना, मतलब पूरी की पूरी ये नदी बिल्कुल फ्रोजन देखने को मिल रही है इस तरफ भी। और अब से अगर आप एक मंथ पहले आओगे ना इस जगह पे, तो आपको ये पूरा एरिया ही बर्फ से ढका मिलेगा।
बस आपको रोड का बस थोड़ा सा पार्ट खाली मिलेगा। और ये आइए पूरी प्रॉपर वॉल देखिए, पूरी प्रॉपर वॉल, कम से कम 15 फीट की स्नो है यहाँ पे, 15 फीट की स्नो, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। मॉन्स्टर पहुंच गया है शिंकुला टॉप, एल्टीट्यूड 16,580 फीट। मुसाफिर की मंजिल का कोई ठिकाना नहीं होता, तो जनाब हम भी चले शिंकुला टॉप को पीछे छोड़, क्योंकि एक जगह नहीं रुक सकते हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूं गोम्बोक रंजन की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ है, एंड बुद्धिस्ट लोगों के लिए वो काफ़ी पवित्र पहाड़ है। ये देखो पूरे रास्ते क्रॉसिंग रहेगी। ये समर टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम है, जब आप झंस्कार वगैरह करते हो ना, आपको पूरे रोड पे पानी पानी ही मिलेगा। और ये शिंकुला टॉप फिर से क्रॉसिंग आ गई है, और ये क्या सड़कें कट के नीचे चला जाता है पानी, ये रिस्की हो जाता है कई कई बार। अब देखो यहाँ से सीधा नीचे की तरफ चला गया, कितनी नीची रोड है, और आगे देखो कितना स्टीप है, बहुत ही स्टीप है, लेकिन ठीक है, विल मैनेज। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, तब मेरे को ना आर्मी वालों ने इजाज़त नहीं दी थी, मेरे को पहले बोले कहीं 4x2 थार तो नहीं, मैं नहीं सर 4x4 है, फिर कहते फिर जा सकते हो, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है यार 4x2 व्हीकल के लिए। जब आप वापस चढ़ोगे ना, तब अब तो क्या हम उतर रहे हैं, चढ़ाई के टाइम पे बहुत रिस्की है। पीछे भी वाटर क्रॉसिंग है, और पूरा रास्ता ऐसा है, देखिए किस तरीके का रास्ता है, और मेरे को जैकेट पहननी पड़ी है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। यहाँ हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, इंजन पावर काफ़ी लो हो जाती है, तो ट्रक्स भी नहीं चढ़ पा रहे हैं यार। ये देखो ट्रक्स की क्या हालत हो रही है चढ़ाई के दौरान। अब ये ट्रक है, अभी किस तरीके से ये स्ट्रगल करेगा ऐसी रोड पर। ये देखो, एक तो क्या है कि यहाँ अच्छी पावर वाले व्हीकल होने जरूरी है यार। ये ट्रक स्ट्रगल कर रहा है कई देर से, एंड फाइनली जाके पिकअप बनी इसकी। ये पहाड़ों की रानी की कंडीशन देखो अभी आप, यार ऐसी गाड़ियों से रिस्क नहीं लेना चाहिए, अब धक्के मार मार के बड़ी मुश्किल से ऊपर आ रहे हैं। ये हल्की है गाड़ी, अपने थार पहुंच चुके हैं गोम्बोक रंजन, क्या बात है। एंड इधर देखो, इधर कई सारे कैंप्स के ऑप्शन हो गए हैं, इधर भी लोगों ने कैंप कर रखा है, और मैंने अपनी गाड़ी लगा ली है यहाँ पे बिल्कुल माउंटेन के बगल में, और यहीं मैं आज कैंपिंग करने वाला हूँ। एंड क्या नज़ारा यार।